नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। लखनऊ के डीजी धन मेले में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, साथ ही बोले देश बदलने के साथ साथ आगे भी बढ़ रहा है। सपा में घमासान के बाद मुलायम के साथ अखिलेश और आजम की बैठक के बाद अखिलेश और रामगोपाल यादव का निष्कासन हुआ वापस। माना जा रहा है कि आजम खान की मध्यस्थता के कारण ही मुलायम ने दोनों का निष्कासन वापस लिया है। सपा के सियासी घमासान पर यूपी की बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, कहा ये ड्रामा था, खत्म हो गया, 2017 में कमल खिलेगा। चीन ने पठानकोट हमले के आरोपी आतंकी मसूद अजहर का नाम संयुक्त राष्ट्र के आतंकियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव का किया विरोध। वहीं विदेशी मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा चीन का निर्णय आश्चर्यजनक है, चीन खुद भी आतंकवाद की बुराइयों से प्रभावित रहा है। बड़े मूल्य के प्रतिबंधित नोटों के जरिए समांतर अर्थव्यवस्था चलाने के गोरख धंधे पर अंकुश के लिए संबंधित अध्यादेश को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी मंजूरी। अध्यादेश 2016 के तहत चलन से बाहर किए गए बड़े मूल्य के नोटों को रखना और उनका लेन देन करना कानूनी अपराध है, जिसमें न्यूनतम 10,000 रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान। पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल बने दिल्ली के नए उपराज्यपाल। दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस जी रोहिणी ने 70 वर्षीय बैजल को उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस राजनिवास में 21वें उपराज्यपाल के तौर पर गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसराइल ने अपने नागरिकों से भारत में नए साल का जश्न मनाने से किया इनकार, क्योंकि इसराइल ने भारत में आतंकी हमले की आशंका जताई है। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने अपने टेन्योर के आखिरी दिन में पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा, मैं बोलने से ज्यादा एक्शन में यकीन करता हूं। इस साल हमने कश्मीर में 140 आतंकी मार गिराए और ये सब पीएम के सेना को फ्री हैंड करने की वजह से हुआ है। नोटबंदी के बाद काले धन की धरपकड़ के लिए आयकर विभाग ने 1,000 से ज्यादा जगहों पर मारे छापे। इस छापे में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित आय को किया गया जब्त। वहीं इस मामले में आयकर विभाग ने 5,058 नोटिस किए जारी। नोटबंदी के बाद सरकार ने नए साल पर लोगों को दिया बड़ा तोहफा। आरबीआई ने नए साल में एटीएम से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाई। अब 1 जनवरी से एटीएम से 4,500 रुपए निकाल पाएंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। जी एवन न्यूज चैनल को और मेरे पूरे देशवासियों को नव वर्ष 2017 की मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मैं प्रेरणा ठक्कर एवन न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत ही बहुत प्यार भरा नमस्कार देना चाहूँगी और एक ज़रूर शायरी, एक खूबसूरत सी शायरी पेश करना चाहूँगी। जो सफ़र को पार करते हैं वही मंजिल तक पहुँच पाते हैं। सो हमेशा इस बात को याद रखिए और नया साल तो आने वाला है, तो नए साल की शुरुआत हमेशा नए पैशन के साथ, नए कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए। देखिए मंजिल आपसे दूर नहीं होगी। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले वो खुदा भी बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम एक्टर प्रेरणा ठक्कर एंड keep smiling. I love seeing people loving and smiling. So keep smiling and my all the best for your future. Take care. Thank you. Hello, मैं शिवा कुमार। मैं अपने और बॉलीवुड की तरफ से आप सबको A1 News के सभी दर्शकों को न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। Happy Christmas, Happy New Year. God bless you and your family. Very happy, happy future. Thank you. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनेंगे एप्पल के आईफोन। बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की हो रही है तैयारी। वहीं लोकल मैन्युफैक्चरिंग से एप्पल के फोन की कीमत घटाने से मिलेगी मदद। संयुक्त राष्ट्र के नी वर्तमान महासचिव बान की मून को दी गई विदाई। वहीं मून पिछले 10 साल से इस पद को संभाल रहे थे। साथ ही इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी, राजनयिक कर्मचारी दल भी था मौजूद। कुरुक्षेत्र के जन स्वास्थ्य विभाग में बड़ी गड़बड़ी का मामला आया सामने। रंग रोगन की बजाय महज लाल रंग के पाउडर से खाना पूर्ति कर रहे थे अधिकारी। साथ ही निगरानी कमेटी के संयोजक जांच के लिए मौके पर पहुंचे। यूपी के बलिया से एक बड़ी घटना आई सामने। 15 वर्षीय नाबालिग लड़की अस्पताल के शौचालय में एक बच्ची को जन्म देकर भागती हुई कर्मचारियों ने पकड़ी। बलिया नेशनल हाईवे 31 पर चंद्रशेखर नगर के पास पेट्रोल पंप पे बदमाशों ने नशे की हालत में मचाया आतंक। वहीं सारा वाक्य सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। दिल्ली और उत्तर भारत में कोहरे से नहीं मिली लोगों को राहत। कोहरे के कारण 69 ट्रेनें लेट, जबकि 16 ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव। वहीं कोहरे के चलते 9 अंतर्राष्ट्रीय और 3 घरेलू उड़ानें लेट। अमृतसर के CIA स्टाफ ने लूट करने वाले एक ग्रोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही मौके पर आरोपियों से 10 मोबाइल फोन, देसी कट्टा, 4 सोने की अंगूठियां सहित मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं आरोपियों को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा।
कुरुक्षेत्र की दुकानों के साइन बोर्ड काटकर चोरी करने की घटना आई सामने। सीसीटीवी कैमरे में हुई करतूत कैद। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वहीं आरोपी ने आरोप कबूल कर मांगी माफी। पूर्व ओलंपियन अभिनव बिंद्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ को निलंबित करने के खेल मंत्रालय के फैसले का समर्थन किया है। बता दें कि आईओए ने दागी प्रसाद को, सुरेश कलमाड़ी और अभय सिंह चौटाला को आजीवन अध्यक्ष बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद खेल मंत्रालय ने ये कदम उठाया। अमेरिका में गोल्डन ग्लोब 2017 समारोह में विजेताओं को पुरस्कार देंगी प्रियंका चोपड़ा। लॉस एंजेलिस में आगामी 74वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में पुरस्कार देने वालों में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी होंगी शामिल। सैफ और करीना के अपने बेटे का नाम तैमूर रखे जाने का विवाद बरकरार। अभिनेता ऋषि कपूर ने तैमूर की तुलना दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स की बेटी से की, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा था। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एवन न्यूज़। नमस्कार।